सो है गाइस, आज की इस वीडियो में अपन MIUI 14 इंडोनेशियन ओडेक्स रॉम का रिव्यू करने वाले हैं। रॉम बहुत ही ज्यादा स्मूथ है और MIUI का रॉम है तो इसका बैटरी बैकअप भी बहुत तगड़ा रहता। अपन यहाँ पे कुछ मैजिक्स मॉड्यूल्स यूज करने वाले इसके परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। मैजिक्स मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने के बाद इसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता। वीडियो को एंड तक देखो कैसा इसका परफॉर्मेंस रहने वाला है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा रहता और इसको इंस्टॉल कैसा करते सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो जल्दी से अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं इसके अबाउट सेक्शन पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं MIUI 14.0.1 ग्लोबल वर्जन, स्टेबल वर्जन आपको इसमें देखने को मिल जाता। ऑल स्पेक्स पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड वर्जन 12 मिलता, एंड्रॉइड वर्जन 13 आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी पैच आप देख सकते हैं, 1 मार्च 2023 का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल जाता। और यहाँ पे जो कर्नल है पफ का है। अपन चलते हैं बैक। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ मैजिक्स मॉड्यूल्स इंस्टॉल करके बताऊंगा, तो उसके लिए अपन चलते हैं यहाँ पे मैजिक्स पे। नीचे अपन मॉड्यूल्स वाले सेक्शन पे चलेंगे तो देख सकते हैं मैंने कौन से भी मॉड्यूल कभी इंस्टॉल नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने वाला हूँ। इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे मैं टैप करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी फाइल को लोकेट कर लूंगा। यहाँ पे इतने सारे मॉड्यूल्स है, ये सारे मॉड्यूल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बारी बारी अपन यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने वाले। सबसे पहले मैं यहाँ पे डीप स्लीप वाले मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लूंगा। इस रॉम में डीप स्लीप वर्क नहीं कर रहा है तो इसकी मदद से अपन इसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम की मदद से यहाँ पे इसको फ्लैश करना पड़ेगा। वॉल्यूम अप की मदद से आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम माइनस की मदद से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, लाइट आइडल डोज और डीप आइडल डोज। इनमें से कौन से भी ऑप्शन को आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को इंस्टॉल कर लूंगा। देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली अपन यहाँ पे बैक वाले बटन पे चलेंगे। अब हम यहाँ पे जी सेवर फाइल को इंस्टॉल करने वाले हैं। सिंपली इस पे टैप कर देंगे अपन और इसको फ्लैश होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैश सक्सेसफुल हो चुका है। अपन चलेंगे यहाँ पे बैक वाले बटन पे, इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे टैप करेंगे। यहाँ पे मैजिक्स हाइड वाले फाइल को अपन फ्लैश कर देंगे। इसकी मदद से आपका सेफ्टी नेट पास्ट हो जाएगा। अब बैंकिंग एप्लीकेशन रन कर पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, इसको अपन फ्लैश होने देते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे सेफ्टी नेट फिक्स वाला मॉड्यूल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको इंस्टॉल करके बताता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैश डन हो चुका है। अब हम यहाँ पे सेफ्टी नेट फिक्स वाले मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो लास्ट अपना मॉड्यूल है एसटीआरपी डोज, इस वाले मॉड्यूल को अपन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। लास्ट वाला नहीं है, इसके बाद और एक है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैश हो रहा है, अपन इसको फ्लैश होने देते हैं। फ्लैश यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। बैक वाले बटन पे अपन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको मॉनेट होना है तो आप इस वाले मॉड्यूल को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, MIUI मॉनेट वर्जन 6। सिंपली इस पे अपन टैप कर देंगे। यहाँ पे आप वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थीम्ड आइकॉन्स वाले वर्जन को इंस्टॉल कर लूंगा। वॉल्यूम अप बटन से आप इसको चेंज कर सकते हैं और वॉल्यूम डाउन बटन से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। बैक वाले बटन पे अपन प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे HDR एक्सट्रीम वाले मॉड्यूल को इंस्टॉल करने वाले हैं। इसकी मदद से आपके PUBG ग्लोबल BGMI में एक्सट्रीम ग्राफिक्स अनलॉक हो जाएंगे। सिंपली इस पे अपन टैप कर देंगे। अगर आप 90fps को इंस्टॉल करना चाहते तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सट्रीम को इंस्टॉल करने वाला हूँ। अगर 90fps इंस्टॉल करना है तो फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता। यहाँ पे हमने सारे अपने मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लिया है। सिंपली अब अपन यहाँ पे बूटलूप प्रोटेक्टर को इंस्टॉल करेंगे। इन केस अगर आपको कोई भी बूटलूप देखने को मिलेगा तो ये इसको फिक्स कर देगा। देख सकते हैं फ्लैश सक्सेसफुल हो चुका है और हमने यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लिया है। सिंपली अपन यहाँ पे रिबूट वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा डिवाइस यहाँ पे हो चुका है रिबूट। अपन यहाँ पे मैजिक्स पे चलेंगे और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल हुए या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने डिवाइस में सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पे सेफ्टी नेट वाला मॉड्यूल है इंस्टॉल नहीं हुआ है, हमने जायजिस को यहाँ पे इनेबल नहीं किया है। यहाँ पे सेटिंग्स पे अपन चलेंगे, जायजिस वाले ऑप्शन को अपन यहाँ पे इनेबल कर देंगे। और एक बार आपको यहाँ पे रिबूट करना पड़ेगा और ये आपके डिवाइस में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लिया है। अब बात करते हैं अपन रॉम के बारे में। रॉम बहुत ज्यादा स्मूथ है। यहाँ पे एनिमेशंस भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्मूथ है। आपको एनिमेशंस में 1% का भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता। मॉड्यूल की मदद से हमने इसमें मॉनेट को इनेबल किया है। डायलर की बात करेंगे तो आपको इसमें गूगल का नहीं MIUI का डायलर देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, आप इसमें विदाउट अनाउंसमेंट कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते। अपन चलते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन के सेटिंग्स पे। यहाँ पे एनिमेशन स्पीड रिलैक्स बैलेंस फास्ट पे आप सेट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको लेआउट्स देखने को मिल जाते। मैक्सिमम यहाँ पे 6x7 तक आपको लेआउट मिल जाते। अरेंज आइटम्स एंड डिस्टेंस पे चलेंगे। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप इसको इनेबल कर सकते हैं। सेटिंग्स पेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आइकॉन्स है चेंज हो चुके हैं और इसमें मॉनेट इंस्टॉल हो चुका है। अपन चलते हैं यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स पे। मेमोरी एक्सटेंशन पे अपन चलेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी 3GB तक इसको एक्सटेंड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप इसको सिर्फ 1GB तक एक्सटेंड कर सकते। बैटरी पे चलेंगे तो बैटरी बैकअप रॉम का बहुत ओपी है। मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपका बैटरी बैकअप बहुत क्रेजी हो जाता। आपको कोई भी ड्रेन इशू फेस करने को नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। Geekbench 6 के स्कोर्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सिंगल कोर यहाँ पे 737 और मल्टी कोर 1683 है। स्कोर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे मैं आपको सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम जीपीएस 1,46,000 है, एवरेज जीपीएस यहाँ पे 1,31,000, मिनिमम जीपीएस यहाँ पे 1,07,000 जीपीएस आपको देखने को मिल जाता। तो परफॉर्मेंस बहुत क्रेजी होने वाला है रॉम का। और DRM इन्फो की बात करेंगे तो इसमें आपको वाइड 1 L1 देखने को मिलेगा। सेफ्टी नेट अपन चेक करके देखते हैं तो यहाँ पे सेफ्टी नेट फेल्ड है आई थिंक सो। मैंने यहाँ पे रिबूट नहीं किया है,
इसलिए यहाँ पे सेफ्टी नेट फिक्स वाला मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो आप रिबूट कर लेना, सेफ्टी नेट आपका फिक्स हो जाएगा और इसमें आपको MIUI का कैमरा इनबिल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारे फीचर्स वर्क करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग आप इतने सारे FPS पे यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रो मोड देख सकते हैं वर्किंग है, और मैं आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट चेक करके बताता हूँ। देख सकते हैं ये परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। 64 MP अपन चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं वर्किंग है। और यहाँ पे अपन स्लो मोशन चेक कर लेते हैं, तो स्लो मोशन भी वर्किंग है। डुअल वीडियो अपन चेक करके देखते हैं, तो यहाँ पे डुअल वीडियो वर्क नहीं करेगा, क्रैश हो रहा है, तो आपको डुअल वीडियो वर्किंग नहीं मिलेगा। थीम्स वाले एप्लीकेशन पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको इंडोनेशियन के बहुत सारे थीम्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और गूगल फोटोज में आपको बताता हूँ स्पूफिंग अनलॉक मिलती या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई भी स्पूफिंग अनलॉक नहीं मिलेगी। अपन चलते हैं यहाँ पे आप वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। गेमिंग अपन अब करने वाले, परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है अपन देखेंगे। ग्राफिक्स पे चलेंगे तो यहाँ पे आप ग्राफिक्स देख सकते हैं, एक्सट्रीम आपको अनलॉक मिल जाता। यहाँ पे जो हमने मॉड्यूल इंस्टॉल किया है परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। आप 90 FPS भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। मॉड्यूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता। तो अपन यहाँ पे एक्सट्रीम पे गेमिंग करने वाले, परफॉर्मेंस कैसा रहता मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे गेम प्ले देख सकते हैं, बहुत ज्यादा स्मूथ है, आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे हॉट ड्रॉप्स लिया, कोई भी मेरे को रेंडरिंग या फिर कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिले। और बैटरी बैकअप तो बहुत ओपी है रोम का। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इसको मस्ट ट्राई आउट करना चाहिए। रोम बहुत ज्यादा ओपी है और मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने के बाद तो बहुत ज्यादा ओपी हो जाता। कोई भी इसमें मेरे को बैटरी का ड्रेन इशू फेस करने को नहीं मिला, मेरे को इसमें कोई भी हीटिंग इशू फेस करने को नहीं मिला। अगर आप क्लोज रेंज ले रहे या फिर लॉन्ग रेंज ले रहे तो कोई भी आपको रेन ड्रॉप्स या फिर रेंडरिंग का इशू आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे गेम प्ले कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे को कोई भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है, आपको भी नहीं मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ आप गेमिंग और डेली यूज के लिए MIUI का रोम सर्च करें तो ये रोम आपके लिए बेस्ट है, आपको इसको फ्लैश कर लेना चाहिए। मैं अब आपको बताता हूँ कि आप इस वाले कस्टम रोम को अपने डिवाइस में कैसा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वाइप पे चलना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एडवांस वाइप पे टैप करना है। यहाँ पे डेलवी पैक कैचे कैचे मेटा डेटा डेटा ये सारे पार्टीशन को सिलेक्ट करके आप वाइप कर दो। वाइप हो जाने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे चलना है। यहाँ पे देख सकते हैं फाइल है mode.id.global, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली मैं इस पे टैप करके इसको फ्लैश कर दूंगा। यहाँ पे आपको कोई भी फर्मवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, फाइल में फर्मवेयर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। देख सकते हैं यहाँ पे अपना फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सिंपली आपको यहाँ पे होम बटन वाले आइकॉन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको वाइप पे जाना है, फॉर्मेट डेटा पे टाइप करना है, कीबोर्ड पे YES टाइप करके आपको टिक कर देना है। और आपको यहाँ पे मैजिक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम यहाँ पे मैजिक्स मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे मैजिक्स को भी इंस्टॉल कर लेंगे। मैजिक्स 25.2 को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। सिंपली इस पे टाइप करके मैं इसको फ्लैश कर देता हूँ, और देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और इधर फ्लैशिंग प्रोसेस एंड हो चुका है। सिंपली अपन अपने डिवाइस को यहाँ पे रिबूट सिस्टम कर देंगे। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर दो। ऐसे कॉन्टेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, और मैं इन फ्यूचर में गेमिंग कस्टम रोम विद सम मैजिक्स मॉड्यूल्स का वीडियो भी लाने वाला हूँ। तो आप स्टे ट्यून्ड रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो। तो मैं अब वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।